मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को प्यार के जाल में फंसाया, फिर उससे दुराचार कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता रहा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द खबरदार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवम कुशवाहा। शहडोल जिले से एक आश्चर्यजनक मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की के साथ पहले प्यार का नाटक किया, उसके बाद उसने उसे बहला फुसला कर दोस्ती का नाजायज फायदा उठाकर युवती के साथ दुराचार किया और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। युवक की प्रताड़ना से परेशान होकर युवती ने मामले की थाने में शिकायत की। पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एक पीड़िता जो कि है, उसने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि आकर के थाने में प्रस्तुत किया कि उसके साथ में उसकी जो असली फोटोग्राफ्स है उसको लेके एक युवक के द्वारा लगातार रूप से उसको परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। तत्संबंध पुलिस के द्वारा जो है तत्परता पूर्वक उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी को जो है रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के पश्चात आरोपी से कड़ाई से पूछताछ भी की गई, साथ ही उसका मोबाइल भी जब्त किया गया है और इसे जो है फॉरेंसिक लैब में भेजा जाएगा। साथ ही आरोपी को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है एवं इसमें अन्य जो विधिवत साक्ष्य है हमारे फॉरेंसिक और टेक्निकल, उन सभी साक्ष्यों का इसमें संकलन किया जा रहा है और उसके पश्चात जो है इसमें विधिवत कार्रवाई की जाए। मोबाइल में अश्लील वीडियो ब्लैकमेल करने निश्चित रूप से इस प्रकार के तथ्य जो अब तक की जानकारी है उसमें यह है, बाकी इसमें जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपनी राय दे पाएंगे। बता दें, कोतवाली थाने के अंतर्गत पुरानी बस्ती में रहने वाले 25 वर्षीय मिराज अहमद नामक युवक ने शहडोल जिले की एक लड़की के साथ पहले दोस्ती की, फिर उसके साथ नाजायज फायदा उठाकर उसके साथ दुराचार किया और उसे ब्लैकमेल करता रहा। इसके बाद उसने युवती को धमकी दी कि यदि वह उससे शादी नहीं करती तो उसकी असली वीडियो को वायरल कर देगा। पुलिस ने धारा 376 2506 के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करके न्यायिक प्रक्रिया में शामिल कर दिया है। शहडोल से हमारे रिपोर्टर जुगल किशोर मिश्रा की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।